हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सएल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस ऑसम वीडियो में मैं आपके लिए राउंड सीरीज का एक दूसरा पार्ट लेकर आया हूं और उस फॉर्मूले का नाम है राउंड अप। जी हां, राउंड अप, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी वैल्यूज के ऊपर काम करता है जिनको नियरेस्ट बाय वन की तरफ लेकर जाना होता है, यानी कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलना होता है। यही काम आज जो है हमारा राउंड अप फॉर्मूला करके दिखाएगा। तो हम ये खूबसूरत फॉर्मूला स्टार्ट करें, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे खूबसूरत फॉर्मूलाज मैं अपने हर एक वीडियोस के अंदर लाता रहता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। और जब आप ये वीडियो देख लेते हैं और आपको पसंद आ जाती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स तो आप कर ही देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उसके लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर लिखे हुए हैं और उनके साथ में ही कुछ मैंने न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। और अब मैं इनके ऊपर राउंड अप फॉर्मूला यूज करूंगा और देखूंगा कि राउंड अप फॉर्मूला कैसे और किस तरीके से काम में आता है। तो राउंड अप फॉर्मूला जो होता है वो नियरेस्ट बाय वन की तरफ अपनी वैल्यूज को लेकर जाता है, यानी कि कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद कितनी भी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे वो 0 से लेकर 5 के बीच में हो या 6 से लेकर 9 के बीच में हो, ये क्या करता है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलता है। यानी कि आप समझ जाएंगे जब मैं इस फॉर्मूले को स्टार्ट करूंगा। तो टाइप करते हैं इज इक्वल टू राउंड अप, देख रहे हैं आप। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है नंबर, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया ये नंबर, कॉमा। अब नंबर डिजिट का मतलब होता है कि आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूं 1, उसके बाद मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और जब मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, राउंडिंग करेगा, और राउंडिंग करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगी। ये देख रहे हैं आप, यहां पर 26.045 था तो यहां पर इसने कर दिया 26.1। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, पॉइंट के बाद सीधे एक डिजिट तक वैल्यू चाहिए थी तो ये एक डिजिट तक लेकर आया, लेकिन ये 26.0 को इसने 1 कर दिया। वो कैसे किया कि जब ये राउंडिंग वैल्यू करने गया तो इसने ये चेक किया कि पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट तक चाहिए और एक डिजिट रखने के लिए मुझे राउंड अप फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं जो कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चलना है, तो इसने क्या कर दिया, 26.0 को 26.1 कर दिया। अगर मैं यहां पर 2 डिजिट तक चाहता तो ये क्या करता है, 26.04 को 26.05 कर देता, जैसे इज इक्वल टू राउंड अप कॉमा 2। ये देख रहे हैं आप, यहां पर मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चाहिए था तो इसने क्या किया, 4.38 को 4.39 बना दिया। यहां पर इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि आप पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट तक चाहते हैं और राउंड अप फॉर्मूला पॉइंट्स के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में उतने डिजिट तक लेकर आता है। अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉमा 0 कर दूंगा, और उसके बाद जब एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, 66.4896 को 67 बना देगा। यहां पर मुझे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए था तो इसने क्या किया, 66 को 67 बना दिया। ये देख रहे हैं आप, खूबसूरत फॉर्मूला। अगर मुझे सबका रिजल्ट देखना है तो मैं कर दूंगा कॉपी और पेस्ट, तो मेरे पास सबका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ऑसम फॉर्मूला है और आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन में ज्यादातर यूज में आता है। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आप राउंड अप फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राउंड डाउन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।